मंगलवार को जय जवान जय किसान संगठन की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार उपस्थित थे। इस वक्त उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है, यहाँ नेताओं को खुश करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बीते कुछ दिनों पहले मनीष नगर स्थित महा मेट्रो रेलवे ने की निर्माण काम की सीमेंट स्लैब में दरार पड़ने की वजह से निर्माण का कुछ हिस्सा सड़क पर गिर गया था, जिसके चलते कई लोगों द्वारा प्रशासन के काम की आलोचना की जा रही थी। इस बीच मंगलवार को जय जवान जय किसान संगठन की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने महा मेट्रो के काम पर कई सवाल खड़े किए। इस वक्त उन्होंने कहा कि मेट्रो रेलवे को विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन काम में घोर अनियमितता के चलते बड़ी संख्या में घटिया निर्माण किया जा चुका है। कि त्या ठिकाणी त्यांनी अजूनपर्यंत काही केलेलं नाही, त्यांची अशी इच्छा का आता तर 10-20च मेले, 5-50 मेल्याशिवाय मेट्रोला काही ते आपण म्हणतो काही काही ठिकाणी ते काय ते हे दिल्यावर बळी दिल्यावर हे होतं, तर मेट्रोला किती लोकांचा बळी द्यायचा आहे? कारण माझ्या मते बहुतेक 10-12 वरचं झालेलंच आहे। 3 मुली तर माझ्या समोरच, ज्यांच्या डेथ बॉड्या मीच घेऊन गेलो होतो तिथे क्रेननी, काल का परवा कालच क्रेननी सुद्धा 2, एक मुलगा आणि एक त्याची आई आई आहे की वडील आई। आणि त्या जेव्हा मी भंडाऱ्याला जातो त्या पारडीच्या त्या क्रॉसिंगवर तिथं जायला जागा नाही आहे ना, यांचे सिक्युरिटी गार्ड आहे आणि काही आहे। मला तर वाटतं सिक्युरिटी गार्डचा तर पैसा काढतच असतील सॅलरी कागदावर दाखवून दाखवून। आज आम्ही 112 RTIचे टाकून सुद्धा आम्हाला RTIमध्ये आजपर्यंत उत्तर मिळू शकलेले नाही आहे। इस वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस संबंध में ठाकरे सरकार से कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।